यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी तक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से 8 पोर्टल जो है आज लॉन्च किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 8 पोर्टल लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही देर में जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की, वो इन पोर्टलों जो ये पोर्टल है उनका उद्घाटन करेंगे, इनको लॉन्च करेंगे। सेवा दिवस के मौके पर ये जो 8 पोर्टल हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। तो बड़ी खबर है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश 8 पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में ये लॉन्च करेंगे। और सिविल सेवा दिवस के मौके पर ये जो 8 पोर्टल हैं अलग अलग जो कामों के लिए बनाए गए हैं उनको आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं शिमला से हमारे संवाददाता उमेश शर्मा। उमेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब अभी देखिए, सरकार टेक्नोलॉजी सेवी हो रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना चाह रही है। आपने देखा है पहले भी सरकार ने बहुत ऐसे पोर्टल और ऐसे ऐप लॉन्च किए हैं, महिला शक्ति ऐप किया है और इस तरह के और ऐप भी लॉन्च किए हैं। डैशबोर्ड एक स्कीम शुरू की जिसमें कि पूरे सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यालय के संपर्क में डैशबोर्ड रहेगा और उसकी मॉनिटरिंग होगी। और आज ही ऐसे 8 ऐसे पोर्टल है सिविल सर्विस से, आज तो हिपा जो संस्थान है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ विधिवत रूप से करेंगे। हालांकि सचिवालय में इसका शुभारंभ हो चुका है। तो 8 ऐसे पोर्टल है जिसमें कि प्रशासनिक सेवाओं में क्या काम हो रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है प्रशासनिक सेवाओं में और कैसे मुस्तैदी के साथ काम किया जाए, उसको डिलीवर किया जाए, तो उसको लेके 8 नए पोर्टल मुख्यमंत्री लॉन्च कर चुके हैं और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन वहां हिपा में होना है। तो ये सरकार कैसे जनता तक पहुंच सके, सरकार के काम जनता तक कैसे पहुंच सके और जनता कैसे सरकार के काम काज की जानकारी मिले और जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो फील्ड में स्टाफ है, उनसे कैसे कनेक्ट रखा जाए, तो उसको लेके पोर्टल कारगर साबित होंगे। सरकार ऐसा कह रही है, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगी, इसको लेके भी एक मैकेनिज्म बना रही थी। उसी व्यवस्था का एक पार्ट है कि आज पोर्टल सरकार ने लॉन्च किए, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए और अब देखना है कि जिससे ये पोर्टल जितना टेक्नोलॉजी का सरकार उपयोग कर रही, क्या इसका फीडबैक आउटकम निकलता है या सरकार का जो उद्देश्य है जनता तक पहुंचने का उसमें कितनी सफलता हो पाती है। जी जी उमेश, जिस तरह से 10 बजे का समय रखा गया था लॉन्च करने के लिए, तो कितनी देर और बाकी है, कब तक ये आधिकारिक तौर पर इन पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने सचिवालय में इसका विधिवत से उद्घाटन कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है। हालांकि इसका जो दूसरा कार्यक्रम है दिन को हिपा में होगा, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां होना है, लेकिन जिसका जो आरंभ होना था मुख्यमंत्री ने सचिवालय में इसका शुभारंभ कर दिया। जी उमेश, अगर 8 पोर्टल जो आज लॉन्च किए हैं, अगर इनके बारे में कुछ पता हो, कौन कौन से पोर्टल हैं, किस बारे में ये पोर्टल हैं, जनता से किस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ जानकारी रोशनी डाल पाए आप? देखिए मनी, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रभावी तरीके से डाउन द लाइन काम किया जाए, सरकार का जो काम है सिविल सर्वेंट ही करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, प्रशासनिक अमले को कैसे चुस्त दुरुस्त बना के इस काम को डिलीवर किया जाए, डिलीवरी और रिस्पॉन्स सिस्टम पर सरकार काम करना चाहती है, उसी को आधार बना के आपने देखा होगा सरकार में सत्ता में आते ही बहुत सारे ऐसे ऐप लॉन्च किए थे जिससे की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय खुद करेगा। अभी बिल्कुल, विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री ने डैशबोर्ड का जो ऐप लॉन्च किया था, उसमें यही कि सरकार के जितने भी अधिकारी है, प्रशासनिक अमले हैं और विभाग है, उनकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री दफ्तर रहेगी और मुख्यमंत्री दफ्तर जो काम हो रहा है, जो स्कीम्स हैं उनको कैसे डिलीवर किया जा रहा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना काम हुआ, इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री निगरानी करेंगे। और जो 8 आज पोर्टल लॉन्च हुए हैं जिसमें की प्रशासनिक अधिकारी काम काज का लेखा जोखा रहेगा, काम कितना हुआ, कितनी काम में प्रगति हुई है, सब तमाम चीजें इसमें होगी।
हमें फिलहाल अभी तक यही जानकारी मिली है, तफसील से जैसे जानकारी मिलेगी इस वक्त तफसील। बिल्कुल उमेश, लेकिन उमेश लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन सब चीजें हो जाने से आम जनता के सामने भी एक पारदर्शिता बनी रहेगी, आम जनता को भी कहीं ना कहीं इससे सहूलियत मिलेगी। देखिए अमनदीप, सरकार की कोशिश यही है, देखना है कि सरकार इस टेक्नोलॉजी का कितना जनता के इसमें सदुपयोग कर पाती है, जनता इसका कितना लाभ उठा पाती है, लेकिन सरकार की मंशा टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने की पारदर्शिता लाने की है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार कितना इसमें सफल हो पाती है। अमनदीप जी बिल्कुल, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश। ये थे हमारे संवाददाता उमेश शर्मा शिमला से, जिन्होंने बताया कि 8 पोर्टल जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, और जाहिर सी बात है हिमाचल की जो सरकार है वो चाहती है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से लोगों से जुड़ा जाए, लोगों के सामने सरकार के कामकाज को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रखा जाए।